आप देख रहे हैं Prime100News.com हर खबर सच के साथ। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों की कमेटी बनाकर घटना की जांच कराए जाने की मांग की है। कोई मतलब मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी बराबर मैं दो दिन पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर से मिला, कल की भी बात है जब सिखों का एक धार्मिक कार्यक्रम था मोदी जेल में, मेरी वहाँ भी मुलाकात हुई। मैंने खुद स्वयं कमिश्नर साहब से टाइम भी मांगा कि मैं मिलूं और आपको एक ज्ञापन भी देना हूँ। मैंने कहा भी उनसे कि आप इसकी जांच करवा लीजिएगा, और वहीं पे डीएम महोदय भी मौजूद थे कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, उनसे भी मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है और आपसे बात करनी है। मेरा अल्लाह जानता, मैं तीनों बच्चों का कसम खाने को तैयार हूँ, मैं उस परिवार को जानता भी नहीं, उस मकान जहाँ पे ये घटना है मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। अगर वो परिवार अपने बच्चों की और कलापा की कसम खा के कहे कि उन्होंने मुझे कभी देखा भी है, मुझे तो पता भी नहीं। मैं सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष जी से भी कहूँगा कि एक विधायकों की एक आप मीटिंग बुलाइए, एक कमेटी बनाइए, माफ करिए, एक कमेटी बनाइए जिसमें विधायक आके जांच करें कि ये जो घटना वो औरत बता रही है उसमें सच्चाई क्या है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, और मैं प्यारी जनता आपसे भी अपील करता हूं कि कम से कम आप जागरूक होइए। आप देखिए कि कैसे पुलिस तानाशाही कर रही है, रात में 3 बजे मेरे घर में घुस के उन्होंने मेरे बच्चे मेरे बेगम के साथ उन्होंने बदतमीजी की, मेरे पूरे घर को पूरे हमारे डिफेंस कॉलोनी को छावनी बना दी, पूरे तबाही मचा दी मेरे भाइयों। और महाराज जी मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसमें आप इंटरफेयर करिए, विधायकों की कमेटी बनाइए, और कम से कम मैं आपकी विधानसभा का एक विधायक हूँ, हमारी गरिमा बचाइए, हमारी इज्जत बचाइए, कि ऐसे ही अगर कोई महिला इल्जाम लगा देगी कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी लिखापढ़ी होनी चाहिए, सबूत देना चाहिए उसको कि अगर किसी ने इल्जाम लगा दिया तो उसके एवज में आप मेरा घर को खोद देंगे, मेरे घर को छावनी बना देंगे। मेरी जवान सियानी बेटी है, मेरे बेटे हैं, मेरी छोटी सी बेटी 9 साल की है, उसके साथ बदतमीजी करी पुलिस ने।